हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपण मानक डिमांड थिला कि गोटे महामाराथन क्लास आनिबापी से गोटे महामाराथन क्लास मुझे नहीं आसी आपण मानी ये महामाराथन क्लास रे आम प्रोज पोएट्री स्टोरी जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से गुड़ाक आसबार अच्छी से आम आलोचना करवा डिस्कस करवा ओके तेनाली आप महामाराथन क्लास वन आपण मैंने प्रथम रु लास्ट शेष पर्यंत देखु शिखतु कहीं क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर मुझे नहीं आसी ओके ये फास्ट माराथन क्लास रे फास्ट डिस्कस करिबा गोटे प्रोज को डिस्कस करिबा देखु ये प्रोजटा कौटू आई पार्ट आप जानपारे यहाँ हूँ अन एग्जामिनेशन आसार कौन क्वेश्चन रही जेहेतु अन एग्जामिनेशन गोटे सिलेक्ट एपाई गोटे सिलेक्टिव प्रोज यहीटा से तार किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन देखु अमर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी आंसर भी आम ये डिस्कस करवा आपन से आंसर गुड़ी डिस्कस कला बेले सुनिकी मन रखी नहीं पारे ओके अमर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही एंटर्ड दि इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशंस जितेबले राइटर एग्जामिनर एग्जामिनेशन परीक्षार इनहॉस्पिटेबल रीजन को एंटर कले इनहॉस्पिटेबल रीजन मीन्स अनफ्रेंडली रीजन ओके से राइटर केते वयसर थिले एटा आमे आंसर कोठ पाइबा देखंतु इ क्वेश्चन रा आंसर दे दीची आमे क्वेश्चन देखिले फास्ट आपन पासिस आसीबो देखंतु एठी देजी कोन आई हैड स्कैर्सली पास माय 12th बर्थडे ओके तमे राइटर के एज केते हिथिला ना 12 वर्ष ताले एठी आपन पूरा वाक्य लिखि देबे द राइटर वाज 12 इयर्स ओल्ड व्हेन ही एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजंस ऑफ एग्जामिनेशंस ओके द राइटर वाज 12 इयर्स ओल्ड देखो आंसर भी दे आपको व्हेन द राइटर एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजंस ऑफ एग्जामिनेशंस ही वाज हार्डली एट द एज ऑफ 12 कि आप डायरेक्ट लिखिए द राइटर वाज 12 इयर्स ओल्ड व्हेन ही एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजंस ऑफ एग्जामिनेशंस ओके निज लैंग्वेज को पूरा सेंटेंस लिखिए देखो सेकेंड क्वेश्चन हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही एंटर्ड द हेरो स्कूल और जितेबले राइटर हेरो स्कूल को गले से एज के ओके हेरो स्कूल गला बेल तो एज के पचारे आप कौन लिखे ना आंसर देखो आप लिखे व्हेन द राइटर एंटर द हेरो स्कूल ही वाज 12 इयर्स ओल्ड से सेम कथा हेरो स्कूल को एंटर कले के वर्ष था पचारे भी सही लिखे ओके इनहॉस्पिटेबल रीजन को गलापर तेत एज थी भी सही लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी How did the writer react to the examinations? With love or disfavor? Which expression in the passage implies this? Okay, writer kemiti react korithile. Parikha ko neiki lekhak kemiti pratikriya deithile. Love na disfavor. Mane tanko manore bhal paiba thila na gruna bhava thila. आउ कौ एक्सप्रेसन पासेजर ये जो पासेज अच्छी पासेज रे कौ एक्सप्रेसन अच्छी जहाँकि एक सूचित करुच्छी आपण मैंने देखिए आंसर कौन लिखे देखु आप लिखे कि द राइटर कन्सीडर दि एग्जामिनेशंस क्वाइट विथ डिसफेवर ओके राइटर एग्जामिनेशन को राइटर घृणा करुले द एक्सप्रेसन दिज एग्जामिनेशन अयर ए ग्रेट ट्रायल टू मी इम्प्लाइज दिस ये सेन्टेन्सटा रहा ये लाइनटा रहा दिज एग्जामिनेशन अयर ए ग्रेट ट्रायल टू मी ए लाइनटा यह सूचित करुच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आम अच्छी ह्विच अयर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द राइटर राइटर कौ गुड़ाक फेवरेट सब्जेक्ट थिला ये आपने जानते इटू पढ़े भल कि लिखे खोजिकी पाए बेले बेले किसी आंसर था आप खोजिकी पाते किसी पिला ये देखु राइटर कौ कौ सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट थिला ना हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसे ताले इटे हमें आंसर कौन लिखा इटे हमें आंसर लिखा द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द राइटर अयार आपन पूरा वाक्य लिखिदेवे द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द राइटर अयार हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसे ओके देखो तो आंसर भी आपन सेमती आपन पाई जिवे द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द राइटर अयार हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसेज ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लास्ट क्वेश्चन ये पासेजर द सब्जेक्ट्स दैट द राइटर ओके जस्ट ए मिनिट हाँ ये क्वेश्चन अच्छे देखो लास्ट क्वेश्चन
ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ଜାମିନ୍ଡ ଅନ୍, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଇଟର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ଜାମିନ୍ଡ ଅନ୍ ଅୟାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏସେ। ତିନିଟା ବିଷୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରି ଓ ଏସେ ରାଇଟିଂରେ ରାଇଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାସେଜ୍ରୁ ଖୋଜିକି ବି ଲେଖି ନେଇପାରିବେ। ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏଠି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରି ଓ ଏସେ ରାଇଟିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ଡ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏସେ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ତିନିଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଓ ୟାର ଡିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍, ଏକ୍ଜାମିନର୍ର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ହାଓ ଓ ୟାର ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅନ୍ ଦୋଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏକ୍ଜାମିନର୍ର ପ୍ରିୟ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପାସେଜ୍କୁ ଯିବା, ଆପଣ ପାସେଜ୍ କେମିତି ଖୋଜିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସବଜେକ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଅୟାର୍ ଅଲୱେଜ୍। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇଠି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଦ ସବଜେକ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ଅର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନଭେରିଏବଲି ଦୋଜ୍ ଆଇ ଫେନ୍ସିଡ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମିନର୍ର ସବଜେକ୍ଟ କଥା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଅନ୍ ଦି ଅଦର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅୟାର୍ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନର୍ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଲାଟିନ୍ ଓ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା, ଏକ୍ଜାମିନର୍ର ପ୍ରିୟ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ବି ଲେଖିବା। ଆମେ ଲେଖିବା କି କ'ଣ, ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆର୍ ଦ ଡିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ଜାମିନର୍। ଓକେ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଓକେ, ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆର୍ ଦ ଡିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ଜାମିନର୍। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆନ୍ସର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ନ ଲେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ। କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣ ଲେଖିବେ କି ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଆର୍ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଅୟାର୍ ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଓକେ, ଯଦି ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଆସ୍କଡ୍ ଅନ୍ ବୋଥ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅୟାର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନଭେରିଏବଲି ଦୋଜ୍ ଟୁ ହୁଇଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ୱାଜ୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଏ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଆନ୍ସର୍। ମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏକ୍ଜାମିନର୍ର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥିଲା କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷକର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଲାଟିନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟାକ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଲାଟିନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆୟାର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନଭେରିଏବଲି ଦୋଜ୍, ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଭଳି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଟୁ ହୁଇଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ୱାଜ୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଏ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାର କି ରାଇଟର୍ ବା ଲେଖକ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଓକେ, ଆପଣ ଲେଖିବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜନ୍ ଡଜ୍ ଦି ରାଇଟର୍ ଗିଭ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନ କରିବାର ରାଇଟର୍ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଲେଖିବେ କି ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅୟାର୍ ଦ ଡିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଏକ୍ଜାମିନର୍ ଡିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଥିଲା, ଲାଟିନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟର୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫର୍ ବୋଥ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟସ୍, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଟିନ୍ ଓ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ରାଇଟର୍ ଏତେ କ'ଣ ନଥିଲେ, ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ଆସ୍କଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅୟାର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନଭେରିଏବଲି ଦୋଜ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ୱାଜ୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଏ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା ଆପଣ ପାସେଜ୍ରୁ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ପଚାରିଥିଲେ ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ କି ରାଇଟର୍ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ କି ରାଇଟର୍ ଦେବାରେ, ଓକେ, ଯାହାର ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଆନ୍ସର୍ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ରାଇଟର୍ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜନ୍ ଦ ରାଇଟର୍ ଗିଭ୍ ଫର୍ ଇ ନଟ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ନ କରିବା ରାଇଟର୍ କ'ଣ କାରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସେଜ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଲେଟିନ୍ ପେପର୍, ଲେଟିନ୍ ପେପର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତା ରିଜନ୍ଟା ଏଠୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ପାସେଜ୍ରୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ପକାଇଥିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖି ସେ ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି,
दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट व्हाट वाज द वन ओनली रिजल्ट राइटर कहिथिले कि दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट ए प्रकार ट्रीटमेंट रो केवल गोटे मात्र फलाफल थिला ओके व्हाट वाज द ओनली रिजल्ट आ से एकमात्र फलाफल कौन थिला मैं कौन लिखिबा ना आंसर आपण माने लिखिबे दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट द रिजल्ट वाज दैट रिजल्ट इया थिला जे द राइटर डिड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशंस राइटर परीक्षा रे भलो करि पारि नथिले परीक्षा राइटर को भलो हे पारि नथिला एग्जाम रे से भलो रिजल्ट करि पारिले नाही नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट डिड द राइटर राइट इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर लैटिन पेपर आंसर बुक रे राइटर कौन लिखिले आम कौन लिखा लैटिन पेपर आंसर बुक रे राइटर कौन लिखिले आम लिखा द राइटर वाज अनेबल टू आंसर ए सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर राइटर गोटे सिंगल क्वेश्चन आंसर दे पारे ना दे पारि नथिले इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर और लैटिन पेपर आंसर बुक रे द राइटर रोट हिज नेम राइटर तांकर ना लिखिले आर द टॉप ऊपर तांकर ना लिखिले आर द टॉप ऑफ द पेज एज वेल एज द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई पेज ऊपर निजो ना लिखिले एवं ता सहित क्वेश्चन नंबर आई बोली लिखि देले एंड मार्क्ड ए ब्राकेट राउंड इट एवं ता चारि पाखे गोटे ब्राकेट दे देले फॉर एग्जांपल ए भली ए भली गोटे ब्राकेट भी दे देले आई लिखि कि ए भली गोटे ब्राकेट दे देले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा क्वेश्चन नंबर भी क्वेश्चन नंबर भी अछि व्हाट सब्जेक्ट्स आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स एंड हाउ आर द क्वेश्चंस ऑन दोज सब्जेक्ट कौ सब्जेक्ट गुड़िक एग्जामिनर प्रिय सब्जेक्ट थिला ओके एंड हाउ आर द क्वेश्चंस ऑन दोज सब्जेक्ट्स आउ से सब्जेक्ट गुड़िक प्रश्न केमती आसाला एग्जामिनर प्रिय सब्जेक्ट कौ गुड़ाक थिला आउ से सब्जेक्ट गुड़िक प्रश्न केमती पचरा जाइथिला आमे कौन लिखिबा आमे लिखिबा कि द सब्जेक्ट दैट आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर आर लैटिन एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनर प्रिय सब्जेक्ट था लैटिन आउ मैथमेटिक्स थिला हेले द क्वेश्चन द एग्जामिनर आस्क्ड ऑन बोथ दिस सब्जेक्ट्स हेले ए उभय सब्जेक्ट रे एग्जामिनर बा परीक्षक जो प्रश्न पचारी थिले आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज ये सबले एमिति किछि प्रश्न थिला टू व्हिच द राइटर वाज अनएबल टू सजेस्ट ए सैटिस्फैक्टरी आंसर जार कि राइटर गोटे सैटिस्फैक्टरी आंसर दे पारे ना गोटे सतोषजनक उत्तर दे पारे ना ओके आई थिंक आपण मैंने बुझे तापर नेक्स्ट एवं जाट ये माराथन में आम फर्स्ट कंप्लीट कले प्रो सेक्शन ये आस पोएट्री सेक्शन को देखूँ पोएट्री सेक्शन एंड इज द पुअर मैन डेड ही क्राइड ही डायड आन आवर एगो द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीव स्वेड टू एंड फ्रो ये आसला यही माराथन में आम पोएम देखा कौन बालाड अफ फादर गिलिगन जो सिलेक्टेड पोएम आपण देची सेठ क्वेश्चन देखा आम कौन क्वेश्चन आ फास्ट क्वेश्चन आसी पोएम कौन हुए आपन जदि पोएटिक लांगुएज यू पासेज रु आखिबे आपको मार्क मिलनी तेनाली बुझाक पड़ो क्वेश्चन अच्छी कौन व्हाई डिड पीटर गिलिगन स्वे टू एंड फ्रो कहीं पीटर गिलिगन एपाख से पाख दहलवाक लगे आपण मानक यू जब आप उतारिक आखिबे आपको किसी मार्क मिलनी तेणु पोएमटा आपको मनु लिखा पड़ो अवश्य आप स्टांजा पढ़ी टी बुझे प्रोज भाषा लिखे यहीटा उत्तर लिखले आप मार्क देते ना तो आंसर देखो आप खुशी पड़ा आंसर मन रखा पड़ो ह्वैट पीटर गिलिगन स्वे टू एंड फ्रो आप कौन लिखे आंसर लिखे पीटर गिलिगन केम टू नो दैट नो अबाउट द डेथ ऑफ हिज सिक परिसनर फ्रॉम हिज वाइफ ओके पीटर गिलिगन कौन रोगिणा चर्च परिसनर मान कौन चर्च बासिंदा ओके चर्च बासिंदार स्त्री पाखर तार मृत्यु खबर पाइले आर दिस हि स्वेड टू एंड फ्रो इन अटर ग्रीफ तेणु एक शुणिकी से अत्यधिक दुखरे एपाख से पाख दोहलवाक लगे जब आपको यहाँ कष्ट लगुच भाषा कहे आप कमी लिखे आपण को क्वेश्चन था व्हाइट पीटर गिलिगन स्वेड टू एंड फ्रो आप लिखे कि पीटर गिलिगन स्वेड टू एंड फ्रो बिकज द मैन हैड डायड ओके द मैन हैड डायड द सिक मैन हैड डायड कारण से रोगीणा लोकटा मरी जाइला एंड ही केम टू नो अबाउट दिस इनफर्मेसन फ्रम हिज वाइफ दुई नंबर सेन्टेन्स लिखिदेले लिखिदेवे से इनफर्मेसन स्त्री पाखर पाइले एंड ही गॉट द इनफर्मेसन
दिस इनफर्मेशन फ्रॉम हिज वाइफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड पीटर गिलिगन स्वे इन ग्रीफ, कहीं पीटर गिलिगन दुखरे थरिया लगे कंपिया लगे, सेम आंसर हम व्हेन पीटर गिलिगन केम टू नो दैट, मैं टिके डिफरेंट आम चेंज करके लिखिपर, व्हेन पीटर गिलिगन केम टू नो दैट द सिक मैन हैड डायड एन आवर एगो, ओके इन ग्रीफ और इन सोरो हि स्वेड, ओके हि स्वेड आम लिखा देखो आंसर भी आपची या बुझे दूची। देखो कौन कही, पीटर गिलिगन वेंट टू अटेंड द सिक मैन, पीटर गिलिगन रोगीण लोक को अटेंड करने गले, बट द सिक मैन हाड अलरेडी डायड, किंतु सिक मैन अलरेडी मृत्युवरण कर सारी, अलरेडी सिक मैन मरी जाइला, इट मेड गिलिगन अनहैपी, या द्वारा गिलिगन बा फादर गिलिगन दुखित हेले, ही स्वेड इन ग्रीफ, एवं से दुखरे एपाक सेपाक दुखरे कंपिया को लगिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, क्वेश्चन अच्छे व्हाट मेड पीटर गिलिगन नील एंड प्रे, गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीटर गिलिगन कहीं आंठू माड़ी की बसिकी प्रार्थना कले, देखो आप आंसर कौन लिखे, थ्री नंबर क्वेश्चन देखते ये लंग आप लगुच मुझक आगे अर्थरे कहीदे, ये आप डिफिकल्ट लगे मुझे इजी वर्ड रे कहूँ, ओके शुणु मन रखु, देखो व्हाट मेड पीटर गिलिगन नील एंड प्रे, कहीं पीटर गिलिगन आंठू माड़ी की प्रार्थना कले, आप कौन लिखे फास्ट कहतु, आप बुझी पोएमटा मुझे बुझी कौन पर आंठू माड़ी प्रार्थना कले, कौन पर जिते पीटर गिलिगन जानवा को पाइले कि सी चेयर में शई पड़ा समय भगवान ताको साहय करने कर्तव्य को संपादन करने जड़े देवदूत को पठाई थे रोगीणा लोकर घर को, ओके बुझी जिते बड़े एक कथा पीटर गिलिगन जान लें आंठू माड़ी बसिक प्रार्थना कले, आम कौन लिखा पूरा वाक्य लिखिद पूरा सेंटेंस आप लिखे कौन लिखे, पीटर गिलिगन नील्ट एंड प्रे, ओके पीटर गिलिगन नील्ट एंड प्रे व्हेन ही केम टू नो दैट, जितने से जानवाक पाइले जे व्हेन ही केम टू नो दैट इन हिज आबसेन्स और व्हेन ही वाज एस्लीप ऑन हिज चेयर गॉड सेंड वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल, ओके टू द सिक मैन्स हाउस, ओके टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ओके तो आप लिखले लिखे कि जितेबले पीटर गिलिगन शोई पड़ते सेतेबले कौन है ना भगवान तक देवदूत पठाई थे तो हेल्प करे, मुझे लिखी दूसरी आप कौन लिखे ना व्हेन पीटर गिलिगन, व्हेन पीटर गिलिगन, पीटर गिलिगन और फादर गिलिगन जहाँ लिखे तो लिखे गिलिगन वाज एस्लीप, वाज एस्लीप, स्लीप ऑन हिज चेयर जितने पीटर गिलिगन तांको चेयर रे सोई पड़ते, ओके ओके सही टाइम रे इन हिज आबसेन्स गॉड तांको अनुपस्थित रे भगवान कौन कले सेंट वन ऑफ हिज एंजल, वन ऑफ हिज एंजल टू द सिक मैन्स हाउस, सिक मैन्स हाउस, ओके कौन पे पठे थे सिक मैन हाउस को टू अटेंड हिम, ओके तो जितने पीटर गिलिगन सोई पड़ते चेयर में से कौन हो भगवान तर जड़े एंजेल को पठे थे सिक मैन घर को अटेंड करने, ओके व्हेन पीटर गिलिगन केम, व्हेन गिलिगन नो दिस केम टू नो दिस, व्हेन गिलिगन गिलिगन ओके न्यू अबाउट दिस, जितने पीटर गिलिगन ए विषय जान ले क्या जान ले खबरटा जितने से बुझीपारे जान पारे सिक मैन वाइफ कहला कि तुम आसल बोल कि, ओके जितने से विषय जान ले ही नेल्ट एंड प्रे, ही के नेल्ट एंड प्रे आप लिखे बहुत सिंपल वर्ड आप कहले व्हेन पीटर गिलिगन वाज एस्लीप ऑन हिज चेयर इन हिज आबसेन्स गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल टू द सिक मैन्स हाउस टू अटेंड हिम, ओके व्हेन पीटर गिलिगन न्यू अबाउट दिस ही नेल्ट एंड प्रे से आंठमाटिक बस की प्रार्थना कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गॉड्स मेकिंग द नाइट ऑफ स्टार,
भगवान कौ पर्पज रे अंधकार रातिर तारक मानू तैयारी करिसंती आपण कोन लिखे आंसर आपण लिखिबे गॉड इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स भगवान होचंती एही यूनिवर्स रो कौन ना सृष्टिकर्ता आर्किटेक्ट माने कौन जी तैयारी करंती सृष्टिकर्ता द पर्पज ऑफ हिज क्रिएटिंग द नाइट ऑफ स्टार इज टू एनेबल हिज क्रिएचर हु आर एग्जॉस्टेड ऑर्न आउट एंड सैटर्ड टू हाव रेस्पाइट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ वर्क ताहले से नाइट ऑफ स्टार को भगवान कौन पे तैयारी करिसंती ना आम ये जानले कि भगवान हूँ विश्वर स्रष्टा ओके तांकर रातिर तारक मान क्रिएट करिबार पर्पोज होची जे कौन तो तांकर सी क्रिएचर माने सी जीवजंतु माने तांको द्वारा सृष्टि होता जीवजंतु मानको क्लांतरु बा अवसादरु रिलैक्स देवा पई आराम देवा पई विश्राम देवा पई से रातिर तारक मानको तैयारी करछंती ओके ओके कोड थ्रू प्रेशर ऑफ वर्क कार्यर चापरु मुक्ति पाए मुक्ति देवाई ओके एमती आप लिखिपारे जब आपको कष्ट लगे आप इजी वर्ड आपको व्हाट इज द पर्पज ऑफ गॉड्स मेकिंग द नाइट ऑफ स्टार आप दुटा सेंटेंस लिखे ओके आप लिखे फर्स्ट फर्स्ट लिखे गॉड गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स भगवान होंगे विश्वर स्रष्टा तापर लिखे कि ही मेड द नाइट ऑफ स्टार्स ही मेड द नाइट ऑफ स्टार टू गिव कम्फर्ट टू टायर्ड पीपुल ओके टू गिव कम्फर्ट टू टायर्ड पीपुल क्लांत भरा लोक कम्फर्ट देवा आराम देवाई से नाइट ऑफ स्टार तैयारी करछंती नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डीड पीटर गिलिगन एक्सप्रेस हिज डीप सेन्स अफ ग्राटिट्यूड टू अलमाइटी गॉड पीटर गिलिगन केमिति ओके कृतज्ञता भरा तांकर गभीर कृतज्ञता ज्ञापन कले अलमाइटी गॉड को हाउ डिड पीटर गिलिगन एक्सप्रेस हिज डीप सेन्स अफ ग्राटिट्यूड टू अलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान भगवान को केमिति पीटर गिलिगन गभीर कृतज्ञता ज्ञापन कले आप कौन लिखे आप आंसर लिखे ये 5 नंबर रे पीटर गिलिगन एक्सप्रेस्ड हिज डीप सेन्स अफ ग्राटिट्यूड टू गॉड बाय नीलिंग डाउन एंड सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ हिज क्रिएशन पीटर गिलिगन कौन कले गभीर कृतज्ञता ज्ञापन कले भगवान को केमिति आंठुमाड़ी बसिकी कृतज्ञता ज्ञापन कले एंड सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ हिज क्रिएशन एवं ताको सृष्टिर गुणगान करिकी महिमा गान करिकी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डोज द एक्सप्रेशन द लिस्ट ऑफ थिंग मीन ये जो एक्सप्रेशन अच्छे लिस्ट ऑफ थिंग कौन एटी अर्थ कौन लिस्ट ऑफ थिंग अर्थ कौन देखु ये आपड़ आंसर देखी छाड़ ये बहुत किसी आपको आज इजी वर्ड कहीदे ये लिस्ट ऑफ थिंग्स मैंने कौन पचराई 6 नंबर देखते आप लिखे द एक्सप्रेशन ये लिखे द एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ थिंग्स सिग्निफाई और मीन्स फादर गिलिगन हिमसेल्फ एटी लिस्ट ऑफ थिंग्र अर्थ कौन निजे फादर गिलिगन हिमसेल्फ एटी लिस्ट ऑफ थिंग किए निजे फादर गिलिगन तापर फर्स्ट ऑफ द लिखिबे आपण लिखिबे कि he considered or he said himself apan ja lekhiya to likhibe he considered or he said himself nije se kon boli kahithile or considered himself a very small thing in this vast universe ओके आम लिखे द एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ थिंग्स मीन्स फादर गिलिगन हिमसेल्फ ये लिस्ट ऑफ थिंग्र अर्थ हो निजे फादर गिलिगन आप लिखा हि कनसीडर हिमसेल्फ ए भेरी स्मॉल थिंग से निजक बहुत छोट जिनस कनसीडर करते इन दिस भास्ट यूनिवर्स ए बड़ यूनिवर्स बड़ विश्व नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
हाउ डज दि पोएट ग्लोरीफाए गड भगवान केमिति ये कवि केमिति भगवान को गुणगान करिसंती आमे कौन लिखिया 7 नंबर ना द पोएट ग्लोरीफाइज गड बाय सेइंग दैट गड इज द अलमाइटी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कवि ये कौन करिसंती ना भगवान को गुणगान करिसंती एक कथा कहि कि जे भगवान होचंती सर्वशक्तिमान सारा विश्वर स्रष्टा प्लानेट्स एंड स्टार्स आर अंडर हिज गाइडेंस विभिन्न ग्रह माने एवं तारका माने तांकर गाइडेंस रे परिचालित होउछंती बट ही वाज माइंडफुल ऑफ द नीड्स ऑफ एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन लाइक पीटर गिलिगन किंतु से बहुत माइंडफुल थिले को जिनस को नहीं कि ऑफ द नीड ऑफ एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन लाइक पीटर गिलिगन को भली महत्वहीन बा गुरुत्वहीन जने माने व्यक्ति को नहीं कि मध्य भगवान बहुत माइंडफुल थिले बहुत चिंतित थिले एंड डिप्यूटेड वन ऑफ हिज एंजल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन हिज आबसेन्स एवं तांकर अनुपस्थिति रे तांकर कर्तव्य को बहन करिया पई तांकर जने एंजल को देवदूत को से नियोजित करथिले ओके आपन जदि लॉन्ग होछ आ टिके शॉर्ट रे भी आपन चाहिले लिखि परिबे कोन देखंतु केमति कोन लिखिबे पिटुगिला भगवान को केमति ग्लोरीफाई करिसंती याको आपन टिके एमति भी लिखि परिबे एठी कोन लिखिबे पीटर गिलिगन ग्लोरीफाए आप शॉर्ट लिख दो कह दो छी पीटर गिलिगन ग्लोरीफाए गॉड बाय सेइंग ओके ही टेक केयर ए स्मॉल क्रिएचर लाइक हिम By sending one of his great angel, okay. इटे हमें लिखिबा कि कौन लिखिबा ना the poet glorify God by saying इटे कवि भगवान को गुणगान करिछन एक कथा कहि कि जे he take care a small creature like him by sending one of his great angel कि तांकर जने महान देवदूत को पठेकी तांको भली जने छोट जीवर मध्य से कंडीशन देना जत्न नहींछंती ओके तबर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट डज पीटर गिलिगन मीन बाय माय नीड जो कथा टी कहिथिले ए कथा कहिबारे पीटर गिलिगन अर्थ कोन को अर्थ रे पीटर गिलिगन ए कथा टी कहिथिले आपण कोन लिखिबे ना आपण लिखिबे आंसर देखंतु बाय माय नीड पीटर गिलिगन मीन्स दैट माय नीड कहिबारे पीटर गिलिगन को ए अर्थरे कथाटा कहिथिले जे ही नीडेड ए फिजिकल रेस्ट आफ्टर ए लॉन्ग एंड टायरसम वर्क इन हिज पेरिश कि ही नीड ए फिजिकल रेस्ट से टिके शारीरिक विश्राम आवश्यकता करूथिले आफ्टर ए लॉन्ग एंड टायरसम वर्क इन हिज पेरिश तांको चर्च रे दीर्घ एवं क्लांत भरा काम करिला परे ता चर्च दीर्घ एवं क्लांत वाला काम करला फिजिकल रेस्ट आवश्यकता करूथले ओके सेथिबे से कहले माय नीड बोली कहले ओके एटा पिलाने आपण माने देखिले पोएम रो माराथन कंप्लीट हे गला प्रोज सला पोएम सला बेसिया स्टोरी जोटा सिलेक्टिव स्टोरी थला आपण देखंतु हीट हु वाज ए भडे विलन ए क्वाइट ब्रूडिंग मैन विथ डार्क आईज एटा कोठ आसछि ना माय मदर ओके एटा माय मदर रु आछि एटा माय मदर स्टोरी रु आछि यार क्वेश्चन हम देखिबा अटेंड करिबा केतरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु नेके आछि अपन पई दीटा देखो तो गोट इमिते दे अपन क्वेश्चन आसीला व्हाट डो चैप्लिन स्पीक अबाउट हिज फादर चार्ली चैप्लिन तांग बापांग विषय कोन कहि चंती कि व्हाट अकाउंट ऑफ हिज फादर डज द राइटर गिव कि लेखक तांग बापांग विषय कोन विवरणी दै चंती कि लेखक तांग बापांग विषय कोन विवरणी देछंती अपन आंसर कोन लिखिबे अपन लिखिबे कि चैप्लिन वाज हार्डली अवेयर ऑफ हिज फादर चार्ली चैप्लिन तांग बापांग विषय अवगत नथिले ही डिड नॉट रिमेंबर हिम हैविंग लिव्ड विथ हिम सीता को मने रखि नथिले कि तांग सहित तांग बापा रहुथिले एक कथा तांगर मने नथिला एंड हिज मदर कि मांग सहित तांग बापा रहुथिले एहा तांगर मने नथिला हिज फादर वाज ए भडे विलन तांगर बापा जने भडे भिलेन थिले भडे भिलेन माने कोन ना जिकी विभिन्न प्रकार परफॉर्मेंस करंती स्टेज परफॉर्मेंस करंती स्टेज शो करंती ओके तांग बापा स्टेज शो करूथिले
ହି ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରୁଡିଂ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଥ୍ ଡାର୍କ ଆଇଜ୍। ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ଡାର୍କ କଲର୍ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହି ଲୁକ୍ଡ ଲାଇକ୍ ନେପୋଲିଅନ୍, ଆଉ ସେ ନେପୋଲିଅନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ହି ହାଡ଼ ଏ ଡିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଭ୍ ଭଏସ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍କଶ, ମାନେ କର୍କଶ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମୋଟା ସ୍ୱର ଥିଲା। ଓକେ, ଗ୍ରେଭ୍ ଭଏସ୍ ମାନେ ଗ୍ରେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପୁରୁଷ ସ୍ୱର, ପୁରୁଷ ସ୍ୱର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାରି ଭାରି ଭଏସ୍, ଭାରି ସ୍ୱର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କନ୍ସିଡ଼ର୍ଡ଼ ଏ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ହି ଆର୍ଣ୍ଣ୍ଡ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ 40 ପାଉଣ୍ଡ ଏ ୱିକ୍, ସେ ସପ୍ତାହକୁ 40 ପାଉଣ୍ଡ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ। ହି ଡ୍ରାଙ୍କ୍ ଟୁ ମଚ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ସେପାରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ହି ଡ୍ରାଙ୍କ୍ ଟୁ ମଚ୍, ସେ ବହୁତ ପିଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହ୍ୱିଚ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ସେପାରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହି ଡାଏଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 47, 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲକୋହଲ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହି ହାଡ଼ ଏ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପର ହ୍ୱେନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆପଣ ଲେଖିଲାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଭଲକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହଜ ହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍, ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ଓ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ଆପଣ ଭଡ଼େ ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ ବିଷୟରେ ବା ଜଣେ କଳାକାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ, ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କନ୍ସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଆକ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ କମେଡ଼ି, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ଟ ଆକ୍ଟ ଥାଏ। ଓକେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାଟକ ହେଲା, ଯେମିତି କମେଡ଼ି ହେଲା, ଗୀତ ଗାଇବା ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଭଡ଼େଭିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି ପପୁଲାର ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ 20th century। ଆଉ ଭଡ଼େଭାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲେ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପପୁଲାର ଥିଲେ, ନା 20th century ସେ ବହୁତ ସେମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲେ। 20th ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଲ୍, ୟାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଲ୍ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବେ ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ସ ୟୁଜୁଆଲି ଡ୍ରାଙ୍କ ହେଭିଲି, ଆଉ ଭଡ଼େ ଭିଲେନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ। ବିକଜ୍ ଆଲକୋହଲ ୱାଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଏଟର୍ସ, କାହିଁକିନା ଆଲକୋହଲ ସବୁ ଥିଏଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ପରଫର୍ମିଂ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଥିଏଟର ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱିଥ୍ ଦ କଷ୍ଟମର, ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଥିଏଟର ବାର୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପିଉଥିଲେ, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭଡ଼େ ଭିଲିଆନ୍ସ ୱାର୍ ପେଡ୍ ଲାର୍ଜ ସାଲାରିଜ୍, ନଟ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମନି ଆଟ୍ ଦ ଥିଏଟର ବାର୍। ଆଉ ଅନେକ ଭଡ଼େ ଭିଲିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଲାରି ଦିଆହେଉଥିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଆହେଉଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଥିଏଟର ବାର୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେନ୍ସ ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱାର୍ ରୁଇନ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ରିଙ୍କ, ତେଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ସି ହାର୍ଡ଼ ଫର୍ ମାଇ ଫାଦର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପାସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଠୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ। ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପଚରା ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଚାର୍ଲିସ୍ ଫାଦର, ଚାର୍ଲିର ଫାଦରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଥିଲା, କେମିତି ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର୍, ଆମେ ଲେଖିବା କି ଚାର୍ଲିସ୍ ମଦର୍ ଅଫନ୍ ସ୍ପୋକ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଟରନେସ୍। ଚାର୍ଲିର ମାଆ ବା ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ମାଆ ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବିନା ତିକ୍ତତାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିପ୍ଲି ଇନ୍ ଲଭ୍, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମଟାଇମ୍ସ ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିମ୍, ବେଳେବେଳେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଅଦର୍ ଟାଇମ୍ସ ସି ଟକ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରଙ୍କନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଲେନ୍ସ,
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟମାନଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ହିଂସା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ସି ୱାଜ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଚାର୍ଲି ଇନ୍ ଲେଟର୍ ଇୟର୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍କୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ, ସି ୱୁଡ୍ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ରିଫୁଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ରିଫୁଲି କହୁଥିଲେ, ବିରକ୍ତି ହେଇକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱୁଡ୍ ଫିନିଶ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଗଟର୍ ଲାଇକ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍, କି ସେ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିକି ବା ଗଟର୍ରେ ପଡ଼ିକି, ଗଟର୍ ମାନେ ନର୍ଦ୍ଦମା, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ବି ଫିନିଶ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାର୍ଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା' ରାଗିକି କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ସ ଥ୍ରେଟିକାଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫଲ୍ ଅଫ୍, କାହିଁକି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଥ୍ରେଟିକାଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ଥିଏଟର୍ର କ୍ୟାରିୟର୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଲେଖିବେ କି ଚାର୍ଲିସ୍ ମଦର୍ ହାଡ୍ ବିନ୍ ହାଭିଂ ଟ୍ରବୁଲ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ଭଏସ୍, ଚାର୍ଲିଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ କିଛି ଟ୍ରବୁଲ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ହର୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଓକେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ କେବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଅନ୍ ଲିରିଙ୍ଗିଟିସ୍, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଲିରିଙ୍ଗିଟିସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱରପେଟିକା ଧରୁଥିଲା ବା ସ୍ୱରପେଟିକା ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ୱିକ୍ସ, ଯାହାକି ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଓକେ, ଏସ୍ ସି ୱାଜ୍ ଅବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ କିପ୍ ୱାର୍କିଂ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ, ହର୍ ଭଏସ୍ ଗ୍ରିଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଓର୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ହର୍ ଭଏସ୍ ୱୁଡ୍ କ୍ରାକ୍ ଅର୍ ସଡନ୍ଲି ଡିସାପିୟର୍, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଗାଇବା ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ଟା ହଠାତ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଡିସାପିୟର୍ ହେଇଯାଏ, ଇନ୍ ଟୁ ଏ ହ୍ୱିସ୍ପର୍, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଡିସାପିୟର୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ୱୁଡ୍ ଲାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଇଙ୍ଗ, ଆଉ ଏକଥା ଦେଖିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ହସନ୍ତି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିକି ହସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଦ ଓରି ଅଫ୍ ଇଟ୍, କାହିଁକିନା ଜଣେ ସିଙ୍ଗର୍ ଗାଉଥିବ ଗାଉଥିବ ମଝିରେ ଅଟକିଗଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନେ ହସିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ ଓରି ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପାୟର୍ଡ ହର୍ ହେଲ୍ଥ, ୟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ହର୍ ଏ ନର୍ଭସ୍ ରେକ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନର୍ଭସ୍ ରେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନର୍ଭସ୍ ରେକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ନାୟୁବିକ ସ୍ତରରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା କିଛି ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ସ୍ନାୟୁବିକ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହର୍ ଥ୍ରେଟିକାଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଅଫ୍, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରେଟିକାଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଥିଏଟର୍ରେ ପରଫର୍ମ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଏ ଏଣ୍ଟାୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ଏ ଥିଲା ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍। ଆଗକୁ ଆଉ ବି ମାରାଥନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଷ୍ଟୋରୀ ରାଇଟିଂର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବେଷ୍ଟ ଲକ୍ ଫର୍ ୟର ଏକ୍ଜାମ୍।